नमस्कार, क्या 27 महीने के बाद स्कूल कॉलेजों की जो बंद ताले थे वो खुलेंगे? बच्चों की वहाँ पढ़ाई होगी? क्या बच्चे वहाँ खेल कूद पाएंगे? इसको लेकर तरह तरह का ऑर्गेनाइजेशन, तरह तरह के तर्क हैं, लेकिन अब हर कोई चाह रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जया द्रेज ने भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था और कहा था, दो सर्वे का उन्होंने हवाला दिया कि लॉकडाउन से पहले बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या थी और लॉकडाउन के बाद ऐसा है कि वही बच्चे अब एक वाक्य को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी अपने सचिव से बात की और कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। हमारे साथ स्वयं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। जगन्नाथ दा, आप लोग क्या तय किए हैं कि स्कूल और कॉलेज खोलेंगे? खोलने के लिए आज तय कर देते हैं, लेकिन कुछ अभिभावक संघ के लोग आए थे कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, है ना। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल फिर पुनः एक रिपोर्ट मंगाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर हम भी चिंतित हैं कि जल्दी स्कूल खोले। तो अभिभावक संघ का क्या मतलब, डर है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, बच्चे जाएंगे तो संक्रमित हो जाए? लोग आए थे तो उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए ना, एक दो दिन में क्या होने वाला। हम बहुत जल्दी करने दे रहे हैं, बहुत जल्दी स्कूल खोलेंगे, स्कूल निश्चित तौर पर खोलेंगे। तो आप क्या आपदा प्रबंधन से पहले राय लेंगे? देखिए, जो नियम है, नियमानुकूल तो जो चलता है व्यवस्था, व्यवस्था के बीच तो चलना होगा। लेकिन आप शिक्षा विभाग मतलब अडिग है इस बात को लेकर कि जल्दी स्कूल खुले? एकदम। कॉलेज को भी लेकर आपके यही धारणा है? एकदम एकदम। प्राइमरी से ये क्लास वन से कॉलेज तक सारा चीज खुल जाए? खुले। और फुल स्ट्रेंथ में बच्चे पढ़ेंगे या फिर उसके लिए आप लोग कुछ अलग से सोच रखा है? कोई सोच साथ नहीं, खाली आपदा प्रबंध से निर्देश आ जाएगा, हम लोग तुरंत कार्रवाई करके तुरंत खोल देंगे। एक बात आ रहा है, क्या आपको भी इस तरीके का फीलिंग है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो पढ़ाई में फिर सड्डी हो जाएंगे? अरे, हमारा बच्चा नहीं हैगा तो आपको भी यही तो गिदर बुतरू हथुन पाने जी। हाँ, तो लगो हो कि पढ़ा ठीक वे रहो। ऑनलाइन से सेटिस्फाइड नहीं है आप भी? अरे, मंत्री होने के नाते हम स्पष्ट बोलते हैं कि ऑनलाइन से गरीब बच्चों सर्टिफाइड नहीं है। तो अभी जब तक स्कूल बंद था तो आप इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसे ही स्कूल खुलेगा वहाँ पे सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, समय पे किताब हो जाए, समय पर उनका जो बाकी व्यवस्था है वो सारे कुछ हो जाएंगे? सब व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था के साथ हम लोग स्कूल खोलेंगे, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, बच्चों के साथ हम लोग व्यवस्था के साथ स्कूल खोलेंगे। लेकिन देखा जा रहा है ओमिक्रॉन का वेरिएंट, जो दो टीका लगा लिए हैं उनके लिए तो घातक नहीं है, पर ये बच्चों में कई आप देखेंगे डेथ रेशियो बच्चों का अभी भी वयस्कों से ज़्यादा है। हमको लग रहा है कि अखबार मीडिया में जो देख रहे हैं, अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, मरने का रेशियो ओमिक्रॉन से हमको नहीं लग रहा है उस तरह का। पर ICMR जो बताया गया है उनके द्वारा कि बच्चे ज़्यादा इसमें इफेक्टेड होंगे? ना होंगे, है ना, ये प्रश्न चिन्ह है, होंगे, अभी है नहीं। तो हम इंतजार में कितना दिन स्कूल बंद रखेंगे? तो आपने कुछ डेडलाइन तैयार किया है कि कब से हम ये निर्णय लेंगे? या निर्णय आज शनिवार था, वो जो दरखास्त नहीं आता ना टीचर लोग के तरफ, मतलब अभिभावकों के तरफ, अभिभावक की ओर से, तो आज निर्णय ले लेते हैं। उसको भी सम्मान करते हुए हम एकाध दिन उसमें समीक्षा करेंगे कि क्या उनका कहना सही है कि गलत है, इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो आप जनमत संग्रह क्यों नहीं करते हैं, रेफरेंडम? अभिभावक ही बताएंगे, टीचर भी बताएंगे, अधिकारी भी बताएंगे कि उनकी इच्छा क्या। जनमत संग्रह
एक घंटा हो जाएगा? नहीं, दो तीन दिन वेबसाइट पे आप रिलीज कर दीजिए, आप पक्ष में या नहीं पक्ष में, स्कूल के बच्चे अभिभावक जो अपने बच्चों को भेजेंगे वही बता देंगे। हम लोग इसका उपाय लगा रहे हैं, जिला से रिपोर्ट मंगाएंगे डीसी के माध्यम से कि जिला का रिपोर्ट क्या है, क्या हो सकता है, इसी का उपाय लगा रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हैं हम लोग सोच के रखे हैं कि हम उसमें रिपोर्ट मंगाएंगे। तो ये मानकर चला जाए अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप स्कूल खोल देंगे? निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर सीरियस है, हम लोग स्कूल खोलेंगे। शुक्रिया। तो जगन्नाथ महतो का ये मानना है, चूंकि अभिभावक संघ के तरफ से एक दरखास्त मिला था, नहीं तो निर्णय आज का आज हो जाता, वो कह रहे हैं कि अब हम जिलों से रिपोर्ट मंगाएंगे और वहाँ की स्थिति या वहाँ के अभिभावकों का जो मनसा है वो जानेंगे, लेकिन सरकार इस बात को लेकर और खासकर शिक्षा विभाग इस बात को लेकर अडिग है कि अब जल्द से जल्द स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये भविष्य बच्चों का नहीं बना सकती। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.